हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को भाई वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग दिवाली का जो त्यौहार है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी ब्रांड न्यू यामाहा MT-15 के ब्लैक कलर ऑप्शन के बारे में। जो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को MT-15 का ब्लैक कलर दिखाने वाला हूं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, MT-15 में सबसे सस्ता कलर है यामाहा का MT-15 सीरीज में, और ये जो कलर ऑप्शन है भाई बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो इस बाइक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं ब्लैक MT-15 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि यामाहा की MT-15 आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, बजट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, MT-15 जो ब्लैक कलर है वो अदर कलर कंपेरिजन में 1,000 रुपये सस्ती मिलेगी आपको। ये 163,900 रुपये के आसपास की आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। MT-15 हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,95,000, ये ब्लैक कलर का बता रहा हूँ ना आपको, 1,95,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों बताना चाहूँगा, MT-15 में आप लोगों को 155 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSE 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर VVA टेक्नोलॉजी वाला जो इंजन है वो आपको बाइक में देखने को मिलता है। दोस्तों VVA होने की वजह से यहाँ पे दोस्तों बाइक की जो टॉप स्पीड है ना उसमें 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। इस बाइक में मैक्सिमम पावर अराउंड 18.4 की PS पावर है, जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करती है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 14.1 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 7,500 RPM में पावर जनरेट करती है। दोस्तों MT-15 में आपको पावर एंड जो टॉर्क है भाई वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यही सोचेंगे कि यार इस बाइक में इतनी पावर कम तो है, लेकिन मतलब 200 cc के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, NS में काफ़ी ज़्यादा है, ड्यूक में काफ़ी ज़्यादा है, 25 BHP है, बट फिर भी MT-15 की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है इनकी VVA टेक्नोलॉजी, वेरिएबल वॉल्यूम इक्वेशन। भाई इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, इस बाइक की जो टॉप स्पीड है ना वो बहुत बेहतर है R15 की और MT-15 की, तो टॉप एंड में ये बाइक काफ़ी अच्छा जाती है, इसलिए दोस्तों ये 200 cc की बाइक को बेट करने का दम रखती है। फ्यूल सिस्टम में आपको बाइक में FI मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। कूलिंग सिस्टम में आपको बाइक में लिक्विड कूल जो इंजन है वो देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा सा रेडिएटर यहाँ पर यूज़ किया गया है। दोस्तों बता दूँ, इस बाइक में आपको नॉर्म्स टाइप में BS6 नॉर्म्स के साथ में ये बाइक आती है। बाइक की बोर साइज़ अराउंड 58 यानी कि 58 mm की है, स्ट्रोक साइज़ अराउंड 58.7 mm के आसपास की देखने को मिलती है। ये जो बाइक है 6 गियर के साथ में आती है। ध्यान रखिए दोस्तों, MT-15 में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्लीपर क्लच के साथ में बाइक आती है, तो स्लीपर क्लच होने की वजह से आपको बाइक की जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों MT-15 का जो इंजन है वो आपको काफ़ी बेहतर मिल रहा है। सो दोस्तों ये था यामाहा MT-15 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग MT-15 ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रहे हैं भैया, अब उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है MT-15 को लेकर, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों माइलेज में आपको बताना चाहूँगा, ये बाइक अराउंड 40, जी हाँ दोस्तों 40 के आसपास की जो माइलेज आपको ये बाइक निकाल कर देगी। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भैया माइलेज भी इतना और परफॉर्मेंस भी इतनी कैसी, वो सारी चीज़ें VVA टेक्नोलॉजी की वजह से है। दोस्तों इस बाइक की 0 to 100 में लगभग 12 सेकेंड के आसपास के लगते हैं, एंड टॉप स्पीड इस बाइक के अराउंड 130 से 140 के आसपास की टॉप स्पीड आप लोगों को बाइक में देखने को मिल जाएगी। टॉप स्पीड भी आपको बाइक की काफ़ी अच्छी मिल रही है। बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले बाइक की की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की की आपको बाइक में मिलती है। दोस्तों इस बाइक में स्पीडोमीटर में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फीचर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, फ्यूल गेज है, सर्विस रिमाइंडर है, गियर इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है,
साथ में आप लोगों को बाइक में एरिस फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। जी हाँ, इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। साथ में दो स्विचेस दिए गए जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। स्विचेस में दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में पास सिस्ट लो बीम हाई बीम टर्न सिग्नल लैंप एंड हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंड साइड में इंजन किल सीज एंड सेल्फ का जो स्विच है वो आपको बाइक में मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के फ्रंट में आते हैं सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में दोस्तों इस बाइक में आपको बताना चाहूँगा 37mm के USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है। इस बाइक के जो फ्रंट सस्पेंशन है ना भाई, वो बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन है। साथ में आपको बताना चाहूँगा ब्रेकिंग में इस बाइक में आपको यार एक ही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको बाइक में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि इस बाइक का काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि यार R15 में सेम कैलिपर आते हैं, सेम ब्रेकिंग प्लेट्स आती है, तो भाई यामा ऐसा क्यों करता है मुझे नहीं पता। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। फ्रंट की प्लेट साइज 282mm की है और टायर साइज फ्रंट में आपको इस बाइक में 110 ATK टायर देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों इस बाइक में जो चेसी यूज़ की गई है वो डेल्टा बॉक्स चेसी यूज़ की गई है, जो कि यामा की काफ़ी ज़्यादा फेमस चेसी R15 जो version 1 आती थी उसमें भी यही चेसी यूज़ की जाती थी। इस बाइक की ओवरऑल लेंथ अराउंड 2015mm की है, ओवरऑल वीट अराउंड 800mm की है, ओवरऑल हाइट अराउंड 1070mm की है, सीट हाइट इसकी 810mm के आसपास की, मतलब आपके हेड अराउंड 5.3 से ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है, 170mm की, व्हील बेस है 1325mm की, कर वेट है 139kg का। काफ़ी लाइट वेट बाइक है, लाइट वेट होने की वजह से भी टॉप स्पीड में इसकी चार चांद लग जाती है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 10 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में मिलेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक की लाइटिंग्स यानी कि इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, और इलेक्ट्रिकल्स में भी दोस्तों ये बाइक काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको छोटी छोटी LED DRR लाइट देखने को मिल जाती है। मेन लाइट के बारे में बात करें दोस्तों तो देख पा रहे हैं कि इस बाइक में आप लोगों को सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलता है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी LED प्रोजेक्टर लाइट क्या ही फोकसिंग देती होगी, भैया इतनी छोटी सी लाइट है बट इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी, विजिबिलिटी बहुत ही तगड़ी है। टर्न सिग्नल लैंप भी आपको इस बाइक में बल्ब देखने को मिलते हैं। टेल लाइट में LED मिलेगा। साथ में रियर में आपको बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, मोनोक्रॉस सस्पेंशन है एंड रियर जो प्लेट साइज़ है वो 220mm की है और रियर में आप लोगों को टायर साइज 140-70 के आसपास का टायर जो है वो रियर में देखने को मिल जाता है। श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू यमहा MT15 के ब्लैक कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को यमहा की MT15 कैसी लगती है। भाई मेरी नज़रों में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बाइक है और लोग इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। देखिए दोस्तों MT15 एक ऐसी बाइक है जो कि आपको माइलेज भी देगी, पावर भी देगी, वैल्यू फॉर मनी भी है और परफॉर्मेंस भी देती है और लुकिंग वाइज भी बहुत प्यारी है। बाकी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा MT15 को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।